गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं एनटीपीसी फेज़ टू एग्ज़ाम प्लस यूपी लेखपाल मेन एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम कैसे करें साथ में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि 9-10 मई को आपका एनटीपीसी फेज़ टू का भी एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, लेवल 6 और लेवल 4। और इसके बाद में आगे जब आप बढ़ेंगे तो लेवल 2, 3 एंड 5 का जो एग्ज़ाम है वो लगभग मई लास्ट में या फिर जून तक भी जा सकता है। और आपको पता होगा कि यूपी लेखपाल की परीक्षा भी जून में ही कंडक्ट होनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एग्ज़ाम्स आसपास ही पढ़ रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बच्चे पिछले 2-3 साल से करते चले आए हैं। यूपी लेखपाल की परीक्षा की प्रिपरेशन तो 2-3 साल से चली रही है, जब से पेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था इसके पहले भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ एक बार लेखपाल की परीक्षा जरूर होनी है, ठीक है। और एनटीपीसी का आपको पता ही है, 2-3 साल हो गया है ना। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोनों महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स की, कैसे आप दोनों एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, ग्रामीण परिवेश यानी कि यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारा कंटेंट देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप लोग पीडीएफ वगैरह भी अवेल कर सकते हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए एनटीपीसी का जो रिजल्ट रहा है, जितना बच्चे सोचे थे कि कट ऑफ कम जाएगा, मतलब 50 जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था तो बच्चों ने धरना दिया कि हो सकता है कि भाई जो रिवाइज्ड रिजल्ट आए उसमें कहीं ना कहीं उनके मार्क्स बढ़ें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। 2 से 3 नंबर बढ़ा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2-3 नंबर ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ जो बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो रहे थे, मतलब उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी जो बच्चे 1-2 नंबर से फेल हो रहे थे, तो वो इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो देखिए भगवान ने आपको एक बार अवसर दे दिया है, ठीक है, आपको भगवान ने एक बार अवसर दे दिया है, तो आप लोग इस अवसर का लाभ उठाइए। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि कैसे क्या करना है। आपको जब एक बार अवसर मिला है तो हो सकता है इसलिए मिला हो कि आपको ये जॉब मिलनी हो, अदरवाइज़ आप भी पीछे रह जाते अन्य बच्चों की तरह, आप भी सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो देखिए आपको जब अवसर मिला है तो आप दोनों एग्ज़ाम्स को इस तरह से लेके चलिए, इनके सिलेबस को समझिए पहले, ठीक है। इनके सिलेबस में अंतर क्या है, कहाँ पे सिमिलरिटी है, इन दोनों एग्ज़ाम्स को हम क्रैक कैसे करें, इस चीज़ को सोचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ लेखपाल पे फोकस करना है, हमें सिर्फ एनटीपीसी पे फोकस करना है। आपने लेखपाल पे फोकस कर लिया, आप वहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाए, ठीक है। आपने एनटीपीसी पे फोकस किया, आपने लेखपाल को हटा दिया और एनटीपीसी में आप टाइपिंग तक पहुंच गए, टाइपिंग भी निकाल लिया लेकिन बाद में मेरिट से आउट हो गए, तो फिर क्या होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों एग्ज़ाम को लेकर चलना है। और ऐसा नहीं कि आप नए बच्चे हो, आप पिछले 3-4 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम समझेंगे आगे, देखते हैं कि सिलेबस में क्या अंतर है, फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए यूपी पैट का जो रिज़ल्ट है, मतलब स्कोर कार्ड तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन कट ऑफ जैसा कुछ नहीं पता है, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए ये भी नहीं पता है। पेट ने तो, UP SSC ने तो बच्चों को अभी भी अंधकार में रखा हुआ है, ठीक है। आधे बच्चे तो यहाँ पे यही कन्फ्यूज़ है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और ये कहीं ना कहीं देखिए इस एग्ज़ाम को प्रभावित करने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, NTPC फेज़ टू का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, ये बच्चे सोचे थे कि रिजल्ट आने के बाद में, कट ऑफ डिसाइड होने के बाद में उनको मौका मिलेगा लगभग 1-1.5 महीने का वो एग्ज़ाम प्रिपेयर, मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सेम दोस्तों, देखिए यहाँ पे मौका नहीं मिला, मुश्किल से आपका 20 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसा ही होने वाला है यूपी पेट के भी एग्ज़ाम में। जो बच्चे आज कन्फ्यूज हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और अगर उनका हो जाता है, ठीक है, अगर उनका हो जाता है तो फिर उनके पास समय नहीं बचेगा, मतलब उनके पास भी मुश्किल से 20 से 25 दिन का वक्त बचेगा। तो आप इस नाजुक स्थिति को समझिएगा, मैं एनटीपीसी के लिए भी बोल रहा हूँ और लेखपाल के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ना है, देखिए दोनों में सिलेबस सेम है, यहाँ पे मैं हिंदी हटा दूँ और रीजनिंग हटा दूँ तो हिंदी को कवर करने में आपको कितना वक्त लगेगा अगर आप यूपी के निवासी हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग को कवर करने में आपको कितना वक्त लगेगा अगर आप लोग 2-3 साल से कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अंतर नहीं है दोनों के सिलेबस में। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि ऐसा ना हो कि आपके पास रिजल्ट आए, कट ऑफ आप क्लियर कर लें और आपके पास मुश्किल से 20 दिन का वक्त हो। 20 दिन में तो बच्चे रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है और अभी पढ़ाई करना है, और जैसे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा आप अच्छे से तैयारी करोगे। और यही हाल मैं एनटीपीसी की भी बात कर रहा हूँ। अब आप ये मत सोचो कि जब 2, 3 और 5 का कट ऑफ डेट आएगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अभी 9-10 मई को 6 और 4 का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इंतज़ार करो अगली डेट का, नहीं, आप लोग भी पढ़ाई करते रहो। देखो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। आपको पता है कि लेखपाल का जून में होगा और एनटीपीसी का स्टार्ट हो गया है 9 मई से 10 मई से, और ये भी लगभग
मैक्सिमम मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक तक जाना ही जाना है, ठीक है। देखो समझते हैं कि इसके सिलेबस में अंतर क्या है। देखिए एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट है, मैथ है, जीएस है और रीजनिंग है, ओके। लेखपाल में 4 सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ है, ग्रामीण परिवेश है और जीएस है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो आपको यहाँ पे भी मैथ देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैथ देखने को मिल रहा है। अब ये मत कह देना कि सर जी लेखपाल का मैथ अलग है और एनटीपीसी का मैथ अलग है। देखो इसके पहले भी आपने एनटीपीसी का तो मैथ दिया ही है फर्स्ट फेज में, है ना, तो आपने तो ऑलरेडी एक बार पढ़ा होगा, नोट्स वगैरह आपके पास होंगे ही, तो उसको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर जो लेखपाल की बात है, लेखपाल में आपको डीआई देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपका सांख्यिकी कवर हो जाएगा, यहाँ से आपका ज्योमेट्री कवर हो जाएगा। तो जो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो भी आपका मैथ यहाँ पे इंक्लूड है फेज़ टू में, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। अरे चलो छोड़ो, जाने दो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे लेखपाल के एग्ज़ाम, अगर आप लेखपाल अभी तक पढ़ रहे हो और आपने ये टारगेट रखा होगा कि मुझे 20+ लाना है लेखपाल के एग्ज़ाम में मैथ में, ठीक है, तो क्या जब आप 20+ का टारगेट लेके मैथ में चल रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे मैथमेटिक्स से संबंधित? ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट का प्रयोग आपको यहां करना है। आप जब इस मैथ को समझ सकते हो, तो आप इस मैथ को भी पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। तो एक हफ्ता, दो हफ्ता जो भी बचा हुआ है, आप फटाफट क्या करो कि कॉन्सेप्ट देख लो, सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट देख लो, और इसके बाद में क्या करना है, हर एक वहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके बाद में फार्मूला वगैरह रट लो, जो भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है उसको देख लेना, हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है। अब रही बात जीएस की, जीएस की आप देखेंगे दोस्तों, तो जीएस यहाँ पे भी है और जीएस यहाँ पे भी है, ठीक है। अंतर क्या है, यहाँ पे जीएस का वेटेज ज़्यादा है, लगभग 50 नंबर का यहाँ पे जीएस आना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से जीएस आपका वीक है, उसी तरह से अगले बच्चे का भी वीक है। अगला बच्चा पढ़ के गया, उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए, और आप पढ़ के गए, उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आए, तो ये लक पे डिपेंड करता है। तो क्यों हम ये सोच के जाएं कि हमारा जीएस वीक है, हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए जो आप पढ़ के जा रहे हो, इत्तेफाक की बात है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, कभी कभी आप सोचते हो कि यार मैथ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आप एग्ज़ाम देने जाते हो, लास्ट में जब आप चेक करते हो तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट आपका मैथ में ही हुआ है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ में एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी किस में है, मैथ में ही है। कभी कभी क्या होता है कि यार जीएस नहीं पढ़ा है, आप एग्जाम देने गए तो पता लगता है कि जीएस में आपने सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट लिया है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है कि यार मेरा ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है। हो सकता है कि जो आप आज कमज़ोर कह रहे हो, एग्जाम देने के बाद में देखोगे कि आप उसी कमज़ोर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए हो, ठीक है। रही बात रीजनिंग की, तो इसके बारे में मुझे बोलना नहीं है, फटाफट आपको शॉर्ट ट्रिक्स देख डालना है, ठीक है। बाकी आपका दिमाग होना चाहिए, है आराम से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके, प्लस जो भी मेथड इसमें होते हैं सबको करके आप रीजनिंग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहा है, पिछले 4-5 महीने से एनटीपीसी के बारे में नहीं सोचा है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ है नहीं, भाई मैथ आपने पढ़ ही लिया है, जीएस आपने पढ़ ही लिया है, रीजनिंग के लिए डर रहे हो, ठीक है, तो कुछ है नहीं मैं, ओके। आप लोग आराम से जाइए NTPC 2, 3, 4, 5 जो भी आपका लेवल है, कॉन्फिडेंस के साथ में बैठ के एग्जाम दीजिए, ठीक है। रोना नहीं रोना है कि यार होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ में जाके आपको एग्जाम देना है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके चेहरे पे होगा, तो आपके क्वेश्चंस भी उसी तरह से फटाफट सॉल्व होंगे, ठीक है। और जब आप डर डर के एग्जाम दोगे कि यार पिछले 4-5 साल से नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये गलती है दोस्तों। आपको प्रिपरेशन पिछले 4-5 साल से जिस तरह से कर रहे हो, तो इस तरह से अभी मत करना, ठीक है। थोड़ा सा चेंज लाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि लेखपाल के एग्जाम की प्रिपरेशन आपका ठीक ठाक हो चुका होगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मौका मिला हुआ है, इतना गैप हुआ है, तो इस गैप का आपने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा और कंप्लीट सिलेबस आपने जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी तक कवर कर लिया होगा। ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे नए हैं, मैं बता दूं, अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हमारा PDF दिया जाएगा, साथ में और भी कई सारे कंटेंट दिए जाएंगे, प्लस यूपी जीएस का भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट ग्रामीण परिवेश आप हमारे चैनल से विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आप इस टॉपिक को लेकर अभी भी कंफ्यूज हो। बाकी हिंदी मुझे कुछ कहना नहीं है, मैथ मैंने समझा दिया ऑलरेडी, जीएस दोस्तों आपका कॉमन सब्जेक्ट है, तो देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप हमेशा से पढ़ते चले आए हो, जिन सब्जेक्ट्स को आपने रोज बार बार जिन सब्जेक्ट्स के पेजेस पलटे हैं, तो कुछ नया नहीं है। नया सिर्फ ये है कि ये दोनों दोस्तों आपका मेन एग्जाम है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये प्री एग्जाम नहीं है। यहाँ से अगर आप एक नंबर से भी आउट होते हो, तो बाद में कोई नहीं पूछेगा कि आपने एक नंबर से क्यों आउट हुए, आपने मेहनत क्यों नहीं किया, मतलब आप अगर बोलोगे भी कि भैया एक नंबर से रह गया, तो अगला यही समझेगा कि यार झूठ बोल रहा है,
10-15 नंबर से रह गया होगा, पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। ठीक है, आप किसी से भी जाके जब तक आप मार्कशीट नहीं दिखाओगे, आप अपना सर्टिफिकेट लेके आपको घूमना पड़ेगा कि भैया देखिए एक नंबर से रह गया। और जब आप बार बार दिखाएंगे तो आप पे कोई तरस भी नहीं खाया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये लेखपाल मेन एग्जाम है, एनटीपीसी फेज टू भी मेन एग्जाम है, टाइपिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, टाइपिंग क्लियर करना होगा आपको, इसके बाद में मेरिट जो है ये फेज टू के एग्जाम के बेसिस पे ही बनेगी, इसके मार्क्स के बेसिस पे ही बनेगी। ठीक है, तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में एकदम से फोकस होके ये 3-4 साल की मेहनत 1-2 महीने के अंदर दिखा दीजिए और सब कुछ छोड़ते हुए बस आगे बढ़ना है, ये अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, सो अभी देखिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।